फरवरी 19, 1983, आज से ठीक 39 इयर्स पहले नेल्ली नाम के एक गांव में जो कि सेंट्रल आसाम में आता है, वहां पे आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था। वहां पे एक दिन में दिन दहाड़े 6 घंटे के स्पैन में अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स 2000 लोग मारे गए थे एंड अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल रिपोर्ट्स 10,000 या 15,000 लोग मारे गए थे, ज़्यादातर जिनमें से बच्चे बूढ़े या औरतें थी। 1978 में मंगलदोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जिसके अंदर नेल्ली है, वहाँ के जो एमपी थे हीरालाल पतवारी ही पास्ड अवे ऑन दैट इन दैट ईयर, और उसकी वजह से हुआ ये कि वहाँ जाके बायपोल्स होने वाले थे वैसे वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और वो इलेक्शन के प्रोसेस में ही ये एलिगेशन उठना शुरू हो गए कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे इलेक्टोरल रोल में एनरोल हो चुके हैं और अब उनकी वजह से अब वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होना चाहिए क्योंकि टेक्निकली देर इलीगल एलिजेडली, क्योंकि लोगों का इल्ज़ाम है ये प्रूव नहीं हुआ था। तो उसके आगे चल के हुआ ये कि ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन डिमांड करा कि ये बायपोल को पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक पूरे फॉरेन नेशनल्स आइडेंटिफाई होकर इलेक्टोरल रोल से डिलीट ना हो जाए। तो उसके बाद फिर आगे चल के बहुत बड़ा एजिटेशन खड़ा हो गया, आंदोलन खड़ा हो गया एएसयू के तहत, और वो लोग जो है सो बहुत सारे लोगों को मतलब इन्वेस्टिगेशंस हुए और एक्यूजेशंस हुए कि यहाँ यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये है वो है। नेल्ली से जो है सो कत्लेआम शुरू हुआ जब गवर्नमेंट 1983 में डिसाइड करी कि वहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होल्ड करें। वहाँ पे नेल्ली में जो है सो बहुत सारे लोगों को दिन दहाड़े मारे गए, 6 घंटे के स्पैन में 2000 लोग या फिर अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल रिपोर्ट 10,000 या 15,000 लोग मारे गए थे। आसाम के एक इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस है KPS गिल, उनका ये कहना है कि 63 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे थे जहाँ पे इलेक्शंस बिना कोई मसले के हो जा सकते थे, लेकिन 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे भी थे जहाँ पे इम्पॉसिबल था इलेक्शंस होल्ड करना, और उसी के चलते पैरामिलिट्री और आर्मी जो है वहाँ डिप्लॉय हुई थी। एक ऑफिशियल तिवारी कमीशन रिपोर्ट है नेल्ली मैसेकर के ऊपर जो एक सीक्रेट टाइप क्लोजली गार्डेड रिपोर्ट है जिसके आज तक खाली 3 कॉपीज एग्जिस्ट करते हैं, 600 पेजेस की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट में इस कत्लेआम के डिटेल्स है। तो वो टाइम की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी हेडेड बाय हितेश साइकिया, उनका डिसीजन था कि इसको हम पब्लिक नहीं करेंगे ये रिपोर्ट को, और उनके आने वाले जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे आसाम के उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि हम ये रिपोर्ट को पब्लिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन आसाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और दूसरे और तंजीमें थी जो कोशिश करे लीगली कि ये तिवारी कमीशन रिपोर्ट को हम पब्लिक करें, उनका अपना एक लीगल बैटल चला, और ये इसलिए था कि जो जेनोसाइड के जो विक्टम्स थे उनको इंसाफ मिले आगे चल के। पुलिस वो टाइम पे जब मैसेकर हुआ था पुलिस जो है वो टाइम पे 688 क्रिमिनल केसेस फाइल करे थे जिसमें से 378 केसेस बंद हो गए थे, क्लोज हो गए थे क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस अपेरेंटली, एंड 310 केसेस ऐसे थे जो चार्ज हो गए थे। लेकिन फिर हुआ ये आगे चल के हमारे वो टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने आके आसाम एकॉर्ड्स साइन करे थे। आसाम एकॉर्ड्स बेसिकली जो एजिटेशन चल रहा था इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, वो एजिटेशन को रोकने के लिए आसाम एकॉर्ड्स बनाए गए थे 1985 में। तो जब वो एकॉर्ड साइन हुए थे तो जो 310 केसेस चार्ज हुए थे वो केसेस भी ड्रॉप कर दिए गए, और फिर उसकी वजह से हुआ ये कि एक भी इंसान जिसके ऊपर इल्ज़ाम था लोगों को मारने का, काटने का, घर जलाने का, वो उसको फिर सज़ा नहीं हुई आगे चल के कोर्ट में। फिर हुआ ये कि उसके अगले साल 1986 में सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हो गया था आसाम में। अब थोड़ा हम वापस से 1983 को जाते हैं जब आसाम में असेंबली इलेक्शंस चल रहे थे, और वो टाइम पे हर पार्टी अपनी अपनी कैंपेनिंग कर रही थी, और बीजेपी भी वो टाइम पे अपनी कैंपेनिंग कर रही थी, और बीजेपी के वो टाइम के प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने आके ही वहाँ पे दंगे की आग भड़काई थी। वो वहाँ गए थे आसाम में अपने इलेक्शन रैली को कैंपेन करने के लिए अपनी पार्टी के लिए, और एलिगेशंस उनके ऊपर ये है कि उन्होंने आसाम को जाके वहाँ पे एक भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फॉरेनर्स हैव कम हियर एंड द गवर्नमेंट डज नथिंग, व्हाट इफ दे हैड कम इनटू पंजाब इंस्टेड, पीपल वुड हैव चॉप्ड देम इनटू पीसेस एंड थ्रोन देम अवे। ये चीज़ जो है सो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंद्रजीत गुप्ता, एक डिबेट हो रहा था ट्रस्ट वोट का 1996 में, वहाँ पे उन्होंने ये कोट किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा है, और दिस वेंट अनकंटेस्टेड इन द लोकसभा, किसी ने इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि ये चीज़ झूठ नहीं है। तो इसी से हमें मालूम चलता है कि इंडिया में जो सिलसिला है दंगों का और वायलेंस का और पोग्रम्स का और जेनोसाइड्स का,
पॉलिटिकल गेन्स के लिए. ये इट इज़ अ वेरी डीप रूटेड थिंग और हमारा यही काम है एज मीडिया कि हम आप तक इसकी सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करें. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली. मैं हूँ आपका आज का होस्ट उसामा हजारी एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.